हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रिजवान सिद्दीकी। आपको छिपकली के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहा हूं। ओके, मेरे पास एक छिपकली है, इसके बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा, जितना मुझे मालूम, जितना मुझे पता है। यह छिपकली, ये अक्सर हमारे घरों में, तकरीबन लोगों के घरों में पाई जाती है, और ज़्यादातर किचन रूमों में और बेडरूमों में, स्टोर रूमों में रहती है। और ये छिपकली के बारे में आपको मैं थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। ओरिजिनल है, पकड़ के हिलाओ। इधर देखो तुम सामने, तो दोस्तों देखिए, ये छिपकली से कोई प्रॉब्लम, मतलब अगर ये पानी में भी गिर गई, अगर वो पानी भी अगर कोई पी लिए, तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये पॉइजन कब होती है? एक्चुअली ये पॉइजन, मतलब ये जहरीला जीव है। सर एक मिनट, इसे कहते हैं पानी में गिरने से पॉइजन होता है, इसका पानी नहीं पीना, ये अगर छोटा कर दिया तो पॉइजन होता है, चाय के अंदर अगर मुंह डाल दिया तो पॉइजन होता है, सही है? नहीं नहीं, गलत बात है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी में गिर गई तो भी कोई पॉइजन नहीं होता, इससे कोई कोई वैसा नहीं होता। अगर पॉइजन कब होता, मिड डे मील्स, अपने हिंदुस्तान में मिड डे मील्स का प्रोग्राम चलते रहता है स्कूलों में, हॉस्टलों में, अगर खाने में या सालन में कुछ दाल में वगैरह, सब्जी में वगैरह गिर गई तो पका दिए, पकाने के वजह से क्या होता, ये इसमें से एक लिक्विड जो रहता है वो निकल जाता, वो लिक्विड निकलने के वजह से वो जो खाने की, जो खाने का पदार्थ रहता वो पॉइजनस हो जाता, उससे क्या होता, वो खाने के बाद फूड पॉइजनिंग हो जाती। अगर वैसा हुआ तो आप क्या करना चाहिए, आपको नज़दीक के पीएचसी में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या नहीं तो किसी अच्छे तजुर्बेकार डॉक्टर के पास जाके फौरी इलाज करवाना चाहिए। उसके वजह से क्या होता, अगर नहीं कराएंगे तो मोशंस, वॉमिटिंग्स ऐसे हो जाते रहते, होने के बाद उससे क्या होता, पल्स भी डाउन होने के चांसेस रहते, कहीं बोले तो एकदम ये पॉइजन है। हाँ, ये जिंदा चिपलक है ना ये? जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं, दूर रखिए जरा, आप देख सकते हैं, रुकिए जरा, रुकिए, इसको हरकत, एक मिनट एक मिनट, अरे बाबा हिल रही है ये, जिंदा चिपला है, आप बेफिक्र रहिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कि खाली खाली किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। सर डर नहीं लग रहा आपको, ये काटेगी नहीं, इसके दांत वह नहीं है क्या? जी हम तो क्या बोलते हैं, पक्षी प्रेमी हैं और जंतु प्रेमी हैं हम। इसके दांत हैं? जी बिल्कुल इसके दांत हैं, मैं आपको इसके दांत भी शो करूंगा, बताऊंगा। कौन दिखाइए जरा, प्रो आप तो खेल रहे से भाई, क्या कर रहे हैं अभी? इसके दांत बता रहा हूं आपको, इसके दांत के मतलब, इसके दांत देखिएगा आप जी, इसके दांत दिख रहे हैं आपको? तो बिल्कुल ही ओरिजिनल है, तो चिपलक है आवाज, ओरिजिनल क्या है उसमें, डुप्लीकेट क्या है? थोड़ा देख के इसको भगाने का भी मैं तरीका बताऊंगा घर में से। हाँ देखिए, अगर घर में अगर चिपलक या चिपलक अगर चिपकली आ गई तो उससे देख के लोग परेशान हो जाते हैं, भागम दौड़ी करते रहते हैं, ऐसा भगाना, डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, क्या करना चाहिए, एक खाली अंडा रहता ना, मुर्गी का अंडा जो आमलेट डालने के बाद खाली बचा हुआ शेल रहता ना, वो शेल कहीं कोने पे ऐसा लगा देना चाहिए, चले जाता चिपलक, चले जाती घर में से। या नहीं तो मोर का पंख मिलता, जैसे मोर का पंख आपको कहीं भी मेला या जात्रा
मतलब दिल्ली में यात्रा कहते हैं और एग्जीबिशंस वगैरह मिल जाता लीगल तरीके से, वहाँ से आप हासिल करके घर पे ऐसे लगा दे सकते। लगाने के वजह से वो क्या हो जाता, चिपलक भाग जाती उससे। ये दो नुस्खे हैं चिपलक को भगाने के, उतना ही, लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये इससे एक पानी में भी गिर गए तो कोई आपको कोई टेंशन नहीं है, पानी से निकल के चले गई वो पानी भी पी सकते, पीने लायक रहता, उससे कोई टेंशन नहीं। अगर खाने में गिर गई, दूध में वगैरह गिर गई या पक गई, वो पूरा पूरी तरीके से पक गई, फ्राइड हो गई, फ्राई हो गई, कंप्लीट, तो डेफिनेटली फूड पॉइजन होगा। अगर वैसा हो गया, ऐसा कोई अनुमान लग रहा, डाउट लग रहा, तो इमीडिएटली आपके करीब के पीएचसी में जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाता सर, है सर, इसका जो इसका जो मूत्र विसर्जन या जो इसके जो काले जो मेन की जो वो कहते हैं लैटिन, उससे कोई खतरा है क्या? जी उससे तो खतरा मतलब वैसा कोई स्पेशली उसका कोई खतरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर जो लिक्विड रहती उसके वजह से पकने के बाद जो बाहर आती वो एक एसिड के ऐसा काम करती, इसलिए उससे पॉइजन है, दूसरों के दूसरे किसी भी चीज़ से पॉइजन नहीं है। एकदम बहुत अच्छी जीव है, ऐसे खामखा पब्लिक डर जाते रहती, ऐसा भगाने की कोशिश करते रहती, ऐसा कुछ नहीं है। और आप देख सकते हैं बास चिपलकों में दो दो दुम के चिपलक भी रहते, आपको बताऊंगा कि ये अभी अभी दो दुम निकल रहे हैं इसमें से, अब ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे एक दुम निकल रही है। हाँ वैसे मेरे पास और बताइए, ये दुम है ना, और एक दुम यहाँ से निकल रही, ये इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। मेरे पास ऐसे और कुछ और चिपलकों के भी चिपलक के फोटोस है मेरे पास। जूम कर एक मिनट वैसे थोड़ा जूम करके दोनों फोटो अच्छा खोला, थोड़ा उंगली हटा, थोड़ा दुम पकड़ो, थोड़ा थोड़ा नहीं करो, इसका बॉडी नहीं दिख रही पूरी। एक मिनट पास करो, अरे 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 देख सकते हैं आप, दांत है इसमें। जी बिल्कुल दांत है इसमें, आप देख सकते हैं दांत है, और इसकी जबान भी आप देख सकते हैं। हाँ देखिए, गिर जाएंगे नीचे, छोड़ो। ओके सर, ओके ओके ओके, ये देखिए दांतों से पकड़ी हुई है। हाँ थोड़ा नीचे गिर गई थी एकदम। ओके ओके ओके, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप घर पे कृपया ये कर्तव्य ना करें, क्योंकि इसके लिए सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेंड होना पड़ता है। हाँ क्योंकि इन इन प्रजातियों के बारे में, इस चिपलक में कई प्रजाति होते हैं, इस प्रजाति के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप घर पे ऐसे कर्तव्य ना करें, क्योंकि बाद वक्त एलर्जीज हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रजाति के रहते हैं चिपलक में, इसलिए आप लोग इसे कर्तव्य घर पर ना करें। अगर वैसा करेंगे कुछ होएगा तो फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। हाँ इसके लिए सिर्फ प्रोफेशनल ट्रेंड होना पड़ता है। हाँ इसके लिए इसकी जानकारी बिल्कुल पूरी तरीके से इसकी जानकारी होनी चाहिए इसकी। सर इसको अभी आप क्या करेंगे, इसको मार देंगे, छोड़ देंगे? बिल्कुल हम छोड़ देंगे, हम पहले ही बता चुका हूँ आपको, मैं पक्षी प्रेमी हूँ और जंतु प्रेमी हूँ, हम ऐसे चीज़ों को ऐसे चीज़ों की हिफाजत करना हमारा काम है। ठीक है, अभी इसको हम बाहर छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। ओके अब इसको बॉक्स में डाल दीजिए। ओके जी, जल्द से जल्द बॉक्स में डाल दीजिए, उसे देखते ही घिन आ रही है मुझे। नहीं अच्छी चीज है, हाथ से ले लो, सुला करो इसको, दौड़ दौड़ते से ले। अच्छा है, कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए या
पक्षी या किसी चरिंदे या परिंदों के बारे में थोड़ी बहुत जितनी मुझे नॉलेज है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर आपको मैं बता दूंगा। हाँ बोल दीजिए नंबर 9395113827। ओके सर, गो बेबी कम ऑन, गो बेबी गो 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 बेबी गो गो गो, वेरी गुड, गो 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 गो। अरे बस गेट के पास डालो, गेट के पास डालो, जहाँ भी बाहर दो तो भी दो, वेरी गुड वेरी गुड, अंदर ही जाती करते हैं, वेरी गुड, कम ऑन, दो 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 दो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, दो गेट के पास बाहर बाहर जाती है, अच्छा जगह मिल जाती जाने, गो कमान 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 कमान, प्लीज सब्सक्राइब V5 न्यूज़ रिजवान यूट्यूब चैनल।